पाटीदार हो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लोकसभा चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए। जिस तरीके से मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और खास कर अगर बात करें तो कांग्रेस के सामने जो बड़ी चुनौतियां है, जिस तरीके से स्थानीय मुद्दे किस तरीके से वे भुना रहे, और किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है दिलीप सिंह गुर्जर, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम झाड़ा गांव में मौजूद है जहां पर वे हमारे साथ मौजूद है। बात करें किस तरीके से क्या मानते हैं, क्या बड़ी चुनौतियां उनके सामने, किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मानते हैं, किस तरीके से आप इस चुनाव को लड़ रहे हैं? जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपने नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, जो राहुल गांधी जी ने जो न्याय पत्र दिया उसके माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं, जिसके अंदर 1,00,000 रुपया गरीब महिला को प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, और MSP जो किसानों की है उसको लागू की जाएगी, जिससे कि किसान के फसलों को उनको उचित मूल्य मिल पाए। और हमारे जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, CPS पद्धति है, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। दिलीप जी, क्या माना जाए, आप इस चुनाव को किस तरह के सोचते हैं, क्या चुनाव के में आपके सामने चुनौतियां मोदी का चेहरा चुनौती है या फिर सांसद सुधीर गुप्ता की जो काम किए हैं वो चुनौती मानते हैं, किस तरह के आप मानते हैं चुनाव? ये मुझे खुद को इस बात आश्चर्य हो रहे हैं, जो गांव-गांव जब हम जा रहे हैं वहाँ जब पूछ रहे हैं कि सांसद जी सुधीर गुप्ता जी आपके गाँव में कब आए, तो गाँव वाले बोलते हमारे गाँव में 10 साल में 1 बार भी नहीं आए। हमने सांसद नहीं दिया आपके गाँव में ही, तो बोलते हैं कि हमारे साथ गाँव में सांसद निधि नहीं है। मतलब जो व्यक्ति जनता के मूल्य वोटों का मूल्य भी नहीं समझता, और ना गाँव में जाता है ना उनके विकास कार्यों में सहभागिता निभाता है, तो सैकड़ों गाँव में जाता है, 3600 दिनों में सुधीर गुप्ता जी 1 दिन भी उन गाँव में नहीं गए। कभी कभी बोलते हैं कि बहुत से गाँव वाले तो उनको चेहरा तक नहीं पहचानते, बड़ी विडम्बना की बात है। मैं तो खुद को आश्चर्य हुआ कि सांसद जी के बारे में इस प्रकार से बातें आ रही हैं, तो उन्होंने कभी गांव के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, नसीब पता नहीं क्या हो रहे हो, परंतु जनता के बीच में रहे नहीं, तो इसलिए जनता में उनके प्रति आक्रोश है। दिलीप जी, अगर बात करें तो पहले फेज और सेकंड फेज की जब वोटिंग हुई उसके बाद जिस तरह मतदान में भारी गिरावट आई है, तो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की हलचल भी तेज हो गई, मानते हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चिंता हुई इस, या तो EM की सेटिंग वाला उनका कुछ बिगड़ता दिख रहा हो, इसलिए पूरा शासन प्रशासन सबको जोक दिया है। मेरे का भरी दोपहर में महिला बाल विकास और स्कूल के शिक्षकों के रेले गांव में रैलियाँ निकाल रहे हैं, मतलब कितने बड़े विडम्बने की बात है। उनको सबसे ज़्यादा डर ही भारतीय जनता पार्टी को लड़ रहा है। आप MLA रहे हैं, आप बहुत बारीकी से समझते हैं कि सरकारी योजनाओं किस तरीके जमीन पर उतारा जाता है, तो क्या मानते हैं यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारी योजना रही है वो क्या आम घर 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 तक पहुँची है? हम देखिए ना, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास होना चाहिए वो भी नहीं है, न सांसद जी तो क्षेत्र में जाते ही नहीं है, मतलब एक तरह से न वोट लेने के लिए जाते हैं, न वोट के बाद आभार व्यक्त करने आते हैं, आभार व्यक्त करने भी नहीं जाते, मतलब वो जनता के वोट का मूल्य भी नहीं समझते। तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर जनता में आक्रोश भी है, और जहाँ तक धरातल पर जाने की बात है, शासन सिर्फ टीवी में ही सब शासन की योजनाएँ चल रही है, नारी सम्मान की है, आप उसके गारंटी की बात करें, मोदी गारंटी की, तो विधानसभा चुनाव में भी गारंटी दी गई थी 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदने की, तो गेहूँ 2700 रुपये क्विंटल खरीदने का, 2270 रुपये में खरीदा गया हमारे क्षेत्र में, और आपका 400 रुपये सिलेंडर देने की बात कही थी वो भी नहीं, 3000 गाड़ी बहना की देने की बात कही थी वो भी नहीं दी, और जब हमारी सरकार आएगी तब गरीब महिलाओं को 1,00,000 रुपये देंगे, तो मतलब 8,500 रुपये महीना हम देंगे, युवा लोगों को 1 साल की पक्की नौकरी के हिसाब से उनको 1,00,000 रुपये का। आप इस क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, लंबा वक्त भी आपको इस लोकसभा चुनाव में मिला है प्रचार प्रसार का, तो क्या मानते हैं क्या बड़ा मुद्दा है, क्या अफीम किसानों का बड़ा मुद्दा मानते हैं या फिर रोजगार का बड़ा मुद्दा मानते हैं, क्या मानते हैं किस तरीके से आप इस चुनाव में इसको? एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो ही रोजगार भी एक मुद्दा है, पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, CPS पद्धति हम उसको बंद कराएंगे, चीरा पद्धति वापस लाएंगे, NDTS का धारा 29 को भी हम हटाएंगे, और नए पट्टे हम 10 आने के पट्टे
सभी किसानों को देंगे जो जो CPS पद्धति में पट्टे दिए उनको चीरा पट्टे में तब्दील करेंगे। निश्चित रूप से ये जो किसान विरोधी नीति है शासन की, अफ्रीम के दाम 10 साल से भी ज़्यादा हो गए तो कभी उन्होंने बढ़ाए भी नहीं। हम चाहते हैं कि डोडा चूरे के रेट भी बढ़ाए जाए जिससे कि उनको इस क्षेत्र में एक अफीम की बात आपने कही है तो यहाँ पर अगर बात करें तो पोस्ता दाना यानी खसखस जावरा और नीमच मंडी एक अपने आप में बड़ी मंडी मानी जाती है लेकिन यहाँ से टर्की का पोस्ता जो है यहाँ आयात किया जाता है, क्या मानते हैं ये भी एक बड़ा मुद्दा है इसे लेकर भी आप बात करेंगे? शासन की एक नियम है पोस्ता के उत्पादन के लिए भी है, अफीम के लिए नहीं पोस्ता उत्पादन के लिए भी शासन अनुमति दे सकता है। आने वाले समय में इस बात की मांग करूँगा अफीम के लिए पोस्ता दाना उत्पादन की अनुमति भी दे दी जाए या कभी कभी 26,000 क्विंटल की शायद आवश्यकता पड़ती है कन्फर्म नहीं तो वो अन्य स्थानों से मंगाया जाता है। हमने देश में खुद ही अपन उत्पादन करें मेरा ऐसा आने वाले समय में रहेगा पोस्ता उत्पादन प्रशासन कर लिया में भी है वो प्रावधान है कि पोस्ता उत्पादन के अपने उत्पादन पोस्ता उत्पादन के लिए लाइट पोस्ता दाना का आयात बंद किया जाना चाहिए जैसे स्थानीय किसानों को उसका भाव अच्छा मिले भारतीय नहीं मिले। तो देखा आपने ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर जिनसे हमने बात की किस तरीके से स्थानीय मुद्दों के साथ जो है जनता के बीच में जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने विकास के दावे और जिस तरीके से मोदी के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा उन तमाम बातों को लेकर किस तरीके से अपनी बात रखी। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ दिन भर के लिए।